Hey guys, once again welcome to Craft Arena and this side is Lochan. Today I am going to share with you 10 plants we can grow in water. So without further ado, let's get started. So our first plant is money plant. ये बहुत ही common plant है और ये almost सभी के पास होता है. मनी प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है. इसके लिए सिंपली आपको मेन प्लांट से स्टेम को कट करना है और उसके बाद में नोड वाले एरिया को वाटर में डिप करके रखना है. इस वीडियो में मैं जितने भी बॉटल प्लांटर्स बता रही हूँ, इन सभी में से अगर आप कोई भी बॉटल आर्ट बनाना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. नाउ सेकेंड प्लांट है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा और इसका कॉमन नेम है सॉन्ग ऑफ इंडिया. इस प्लांट को भी सिंपली आप स्टेम से कट करके आप इसे वाटर में ग्रो कर सकते हैं. किसी भी प्लांट को अगर आप जब वाटर में ग्रो करते हैं तो प्लास्टिक कंटेनर को आप अवॉइड करें, आप ग्लास कंटेनर से यूज़ करें. जैसे मैंने यहाँ पर ग्लास बॉटल यूज़ किया है, इससे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस रहता है. नेक्स्ट प्लांट इज मॉन्स्टेरा. मॉन्स्टेरा भी मनी प्लांट की तरह ही होता है, बस इसकी जो लीव्स होती है इसके ऊपर कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल होल्स बने होते हैं. इसे भी मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करते हैं, स्टेम से कट करना है और नॉट को वाटर में डिप करके रखना होता है. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज पोथोस. पोथोस ऑलमोस्ट मनी प्लांट की तरह ही लगता है, सेम उसी तरह से लीव्स होती है, बट जो पोथोस का कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है और जो मनी प्लांट होता है वो डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन दोनों में होता है. बट उनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर येल्लो कलर के स्पॉट्स होते हैं या फिर येल्लो कलर का डिज़ाइन बना हुआ होता है. सभी प्लांट को हम इंडोर या आउटडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं अगर हमने सॉइल में लगा रखा है तो, बट अगर हम वाटर में ग्रो करते हैं तो इन्हें शेडी एरिया में रखना कंपलसरी है. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज जीजी प्लांट. ये बहुत ही सिंपल प्लांट है, बट अगर आप किसी कॉर्नर या फिर किसी एरिया की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे ऐड कर दें. प्लांट्स को जनरली हम वाटर में या तो हम डेकोरेट करने के पर्पज से लगाते हैं या फिर प्रोपेगेट होने के लिए रखते हैं. जब हम इन प्लांट को वाटर में लगाते हैं तो हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी ग्रो हो. अगर हम चाहते हैं कि ये फास्ट ग्रो हो तो उस केस में जब ये अच्छे से प्रोपेगेट हो जाते हैं तो इन्हें हमें सॉइल में ट्रांसफ़र करना होता है. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज़ रोयो और इसका कॉमन नेम है बोट लिली. इस तरह के प्लांट्स को जब हम वाटर में ग्रो करवाते हैं तो जब हम इन्हें सॉइल से निकालते हैं तो इन्हें हमें फर्स्ट अच्छे से वॉश करना होता है. इनकी रूट्स में थोड़ा सा भी सॉइल नहीं होना चाहिए, तभी ये वाटर में अच्छे से ग्रो करेंगे. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज़ वॉन्डरिंग जू. इसे भी आप इजीली वाटर में ग्रो कर सकते हैं. जब ये प्लांट अच्छे से प्रोपेगेट हो जाता है तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. नाउ नेक्स्ट प्लांट इज़ क्रोटॉन और इसे भी वाटर में ग्रो करना बहुत ही ईजी है. इन सभी प्लांट्स को अगर आप डेकोरेटिंग पर्पज से लगा रहे हैं तो आप इन्हें कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं, बस इनका वाटर आपको 10 टू 12 डेज में चेंज करना होता है. एंड नेक्स्ट प्लांट इज जेट प्लांट. इसे भी वाटर में इजीली ग्रो किया जा सकता है. इस प्लांट को वाटर में ग्रो कराने के लिए सिंपली आपको स्टेम लेना है और जो पार्ट हम वाटर में डिप करने वाले हैं वहाँ से उसकी जो एक्स्ट्रा लीव्स है उन्हें हमें रिमूव करना होता है. एंड नेक्स्ट प्लांट इज स्नेक प्लांट. स्नेक प्लांट को अगर आप वाटर में लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप सॉइल से वाटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बस सॉइल से जब आप वाटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश कर दीजिएगा. एंड अगर आप इसे प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको स्नेक प्लांट की जो लीफ होती है उसे कट करना होता है और उसके बाद में उसे वाटर में डिप करके रखना होता है. प्रोपेगेशन का जो टाइम है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है. लाइक मनी प्लांट में 10 टू 15 डेज में रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और जो ये क्रोटोन है या फिर स्नेक प्लांट है उनमें काफ़ी टाइम लगता है, 20 डेज के बाद में रूट्स डेवलप होती है. जब प्लांट में अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाती है और उसके बाद में हम इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो प्लांट होता है वो बहुत अच्छे से स्पीड से ग्रो करता है. और अगर हम डायरेक्ट कटिंग के थ्रू अगर हम सॉइल में ग्रो कराना चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेम होता है वो हमारा सड़ जाता है या फिर वो प्लांट ग्रो ही नहीं करता है. स्पेशली मनी प्लांट के केस में तो ये होता ही है.
यहाँ पर जेट प्लांट से मैंने ये टोपियारी बनाई है, और इस टोपियारी को बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक ही प्लांट यूज़ किया है, और उसकी स्टेम्स को कट करके उसे प्रोपेगेट करके मैंने 5 to 6 प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं, और उसी की हेल्प से मैंने टोपियारी बनाई है। इस टोपियारी को मैंने कैसे बनाया अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इन सभी बॉटल में से आप कोई भी बॉटल आर्ट बनाना चाहते हैं, तो उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा बॉटल प्लांटर सबसे अच्छा लगा है। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।